कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। इंदौर में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन हो या सख्ती। हालांकि कोरोना कर्फ्यू में कुछ रियायतें भी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ जरूरतें ऐसी थी जिन्हें इंदौर के युवाओं ने पूरा किया, चाहे वो दो वक्त का खाना हो, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे कोरोना मरीज हों या ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी। इन सभी जरूरतों का ख्याल इंदौर के युवाओं ने संभाल रखा है। हम बात कर रहे हैं उन युवाओं के समूह की जिसमें अनुराग प्रताप ठाकुर, राज ठाकुर और महिपाल सिंह के अलावा कई युवा हैं। इन युवाओं की टीम अब तक करीब 100 सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध करवा चुकी है। हमने इन युवाओं से बात की, सुनिए। सोशल मीडिया पर जो नंबर वायरल हुआ था तो उसमें लोगों के पास सिलेंडर की कमी पड़ रही थी, उस कारण से मैंने 20 सिलेंडर और बुलवाए हैं। अभी जो भी परिचित हो, जिसको भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा वहाँ पर सिलेंडर भरने का चार्ज लिया जा रहा है, वो आपको देना होगा वहाँ पर। कितने लोगों को सिलेंडर दे चुके हैं? तकरीबन आप मान के चलिए कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी सिलेंडर भरकर दे चुके हैं। उसके अलावा मेडिकल जो दवाइयाँ हैं और जो भी उन्हें सामान की आवश्यकता पड़ रही है, जैसा राहुल जी ने बताया कि लोगों को राशन की, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, सभी जगह आवश्यकता लग रही है, सभी प्रकार से हम संस्था के माध्यम से और श्री राजपूत करनी सेना के माध्यम से लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इन युवाओं का समूह पिछले 26 दिनों से अस्पताल में मरीजों के परिजनों को भोजन करा रहा है। बताया गया है कभी नाश्ते में पोहा, कभी आलू बड़े तो कभी दाल बाफले बनते हैं, साथ ही रविवार का तो मेन्यू स्पेशल होता है। इन युवाओं को देखकर रॉयल बॉयज क्लब के राहुल चौकसे ने भी शहर के अलग अलग हिस्सों में खाना बांटना शुरू कर दिया है। जनता कर्फ्यू के दौरान हम, हमारी सेवा 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है। अभी खाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हर कोई परेशान, ऑक्सीजन बेड इंजेक्शन सभी में परेशान है, खाना भूल चुका है व्यक्ति, खाने के लिए होटल रेस्टोरेंट सब बंद है। हम ये कंटिन्यू 1 महीने से सेवा दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है खाने वाला हम उसको ही सेवा दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत लगती है। अभी हमने बीच में कुछ हॉस्पिटल में भी सेवा दी है, धन के राशि के उपलक्ष्य में किसी को कच्चा राशन भी दिया है। हम 1 महीने से कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में भी हमने बाईपास पे सेवा करी थी। किस तरह से जो है वो इसके पैसे की व्यवस्था होती है? सर, हमारा एक ग्रुप है, उसको हमने संस्था के रूप में कन्वर्ट कर दिया, न्यू रॉयल बॉयज ग्रुप। 6 साल हो गए हैं, उसमें हम 115 मेंबर हैं, जिससे जो होता है मदद वो मेरे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू मुझे पेमेंट डाल देता है। मैं उस ग्रुप पे पूरा हिसाब लिखता हूँ क्या किसने क्या करा हुआ है। 1 महीने से अभी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मेरे हो गए हैं, और 30 मतलब ये खाना भी हम कैटरर्स के थ्रू बनवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, वो सब सेफ्टी के अनुसार जो खाना बना रहा है उसकी भी हमने पहले पूरी जांच करवाई पहले कि भैया तू कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, पूरा खाना जो बना रहा है उस हिसाब से हम ये सेवा कर रहे हैं। सर, आपको बता दें कि ये सभी कोविड की पहली लहर के दौरान भी इंदौर बाईपास पर सेवा करते नजर आए थे, तब भी इन युवाओं का ये समूह चर्चा में आया था। ये युवा अपनी जमा पूंजी से लोगों की मदद कर रहे हैं, अब लोग इन युवाओं का इंतजार करते हैं कि कब ये लोग आएं और उनकी मदद करें। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक। Thank you.